हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जो कि हाल ही में यानी कि 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसमें सवाल ये था कि क्या फरार या भगोड़ा घोषित किए गए आरोपी को अंतरिम जमानत यानी कि एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है या फिर नहीं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें इस केस के बारे में, तो ये केस है प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इसमें जो आरोपी था वो व्यावसायिक धोखाधड़ी का आरोपी था और उसने लोअर कोर्ट में यानी कि निचली अदालत में एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दायर की थी। एंटीसिपेटरी बेल को देखते हुए लोअर कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई आरोपी फरार या भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और उसके ऊपर सीआरपीसी सेक्शन 82 और 83 के तहत कार्यवाही हो रही है तो उसे जमानत, अंतरिम जमानत लेने का वो हकदार नहीं है। यहां पर इस केस में भी लोअर कोर्ट ने इसी आधार को रखते हुए कहा कि इस केस में भी सीआरपीसी सेक्शन 82 और 83 के तहत कार्यवाही जारी कर दी गई है तो उसे अंतरिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती है। इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इस याचिका के ऊपर सुनवाई करते हुए सीआरपीसी सेक्शन 82 और 83 के तहत जो कार्यवाही थी उसे नजरअंदाज करते हुए जमानत दे दी थी। अब आपको मैं बता दूं कि सीआरपीसी सेक्शन 82 यानी कि अगर किसी को भगोड़ा या फरार घोषित करना हो तो इसके सीआरपीसी सेक्शन 82 के तहत कार्यवाही की जाती है। अब राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई और राज्य सरकार के द्वारा स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा के केस का हवाला दिया गया और उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को फरार या घोषित कर दिया गया है तो उसे अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को गंभीरता से लेते हुए ये कहा कि उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट ने जो सीआरपीसी सेक्शन 82 और 83 के तहत जो कार्यवाही थी उसे नजरअंदाज करके जमानत देने में गलती की है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये एक व्यावसायिक धोखाधड़ी का केस है और आरोपी के ऊपर 406, 420, 467, 468 के तहत आईपीसी की धाराएं लगाई हुई है। इसके साथ साथ इसके आरोप और आरोपी की जो प्रकृति है उस पर भी विचार करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कहा कि जो जिस आरोपी के ऊपर सीआरपीसी सेक्शन 82 और 83 के तहत अगर कार्यवाही हो रही है तो उसे अंतरिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल लेने का वो अधिकार नहीं है और इसके आधार पर उसकी बेल रिजेक्ट कर दी गई। यानी कि अगर कोई भगोड़ा या फरार घोषित कर दिया है तो उसे एंटीसिपेटरी बेल यानी अंतरिम जमानत लेने का हकदार नहीं है, अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। ये केस का पूरा जजमेंट आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। तो यह था सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट जो कि 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि फरार या भगोड़ा घोषित कर दिए गए आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।